गुड मॉर्निंग, टुडे इज 15th of June 2018 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे तमिलनाडु की राजनीति से संबंधित है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया मालदीव रिलेशंस के बारे में डिटेल से इसे डिस्कस करेंगे। बीच में ये बड़ा आर्टिकल, वायलेंस का जो नेचर है वो आजकल चेंज हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल अर्बन ट्रांसपोर्ट और सिटीज में डिकंजेशन कैसे की जाए उस बारे में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पे ये बड़ा आर्टिकल, क्या 2019 का मुकाबला बीजेपी वर्सेस रेस्ट होगा, राजनीति से संबंधित आर्टिकल है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल वही है जो हमने पिछले 2-3 दिनों में डिस्कस किया है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, इंडिया अब सबको साथ लेके चलना चाहता है, इंडिया ऐसा नहीं दिखना चाहता कि यूएसए के ग्रुप में शामिल हो गया है, चाइना और रशिया के साथ भी इंडिया रिलेशंस इंप्रूव करना चाहता है, इसे हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था पिछले 3-4 दिनों में, नहीं डिस्कस करेंगे। यहां पर ये जो आर्टिकल है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल के बारे में है, इसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया मालदीव रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं इंडिया मालदीव रिलेशंस का। देखो 2008 से पहले 3 दशकों तक, यानी 3 decades तक मालदीव में रूल था अब्दुल्ला गयूम का। 30 सालों तक उन्होंने वहां पे रूल किया। नियर ऑटोक्रेसी थी, मतलब पावर पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड थी गयूम के पास। और उस समय देखो मालदीव बात करता था इंडिया फर्स्ट की, चाइना के साथ कोई खास रिलेशंस नहीं थे मालदीव के, और इंडिया को भी अगर मालदीव से कोई शिकायत होती तो खुले तौर पे इंडिया अपने कंसर्न्स को नहीं रजिस्टर करवाता था, डिप्लोमेसी की सहायता से इंडिया के द्वारा बताया जाता था मालदीव को कि देखो हमें इस चीज़ को लेकर कंसर्न्स हैं और आप इनको एड्रेस कीजिए। कुल मिला के रिलेशंस अच्छे थे। 1988 में कू की कोशिश की गई मालदीव में, लेकिन इंडिया की इंटरवेंशन से कू को होने से रोक दिया गया था। 2008 के बाद डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होती है मालदीव में, रूल आता है मोहम्मद नसीद का, रिलेशंस तब भी ठीक ठाक थे। उस समय देखो एक बड़ा कंसर्न यह था जीएमआर इंफ्रा इंडिया की कंपनी थी, माले एयरपोर्ट पे काम कर रही थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया और चाइना की किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो इस इशू ने रिलेशंस थोड़े बहुत खराब किए इंडिया और मालदीव के बीच। उसके बाद देखो क्या हुआ, 2012 में मोहम्मद नसीद को सत्ता से हटा दिया गया था। हालांकि उन्होंने रिजाइन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मुझे फोर्सफुली हटाया गया है मालदीव के प्रेसिडेंट की पोस्ट से। 2013 में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं मालदीव में और नए राष्ट्रपति बनते हैं अब्दुल्ला यमीन, और अभी भी राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यमीन। लेकिन अब्दुल्ला यमीन के कार्यकाल में इंडिया और मालदीव के जो रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, और इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक एक करके हम रीजंस की बात करते हैं। देखो सबसे पहला रीजन तो यही है, प्रधानमंत्री मोदी 2015 में जाने वाले थे मालदीव में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी, विजिट कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि उस समय जो मोहम्मद नसीद थे पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने रूल किया मालदीव में 2008 से लेके 2012 के बीच, उनके खिलाफ आतंकवाद से संबंधित एक केस रजिस्टर किया गया और बाद में कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद को 15 साल की सजा सुनाई। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने कहा कि मोहम्मद नसीद को एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर बंद किया गया था जेल में। भारत इससे नाखुश था, इंडिया ने कहा था अब्दुल्ला यमीन को कि आप मोहम्मद नसीद को छोड़िए, आपने फर्जी रूप से उनको जेल में बंद करके रखा है। उसके बाद देखो शुरुआत हो गई थी, धीरे धीरे रिलेशंस और ज़्यादा खराब होने स्टार्ट हो गए। मालदीव धीरे धीरे चाइना के करीब जाना स्टार्ट हो गया, वो मालदीव जो हमेशा से इंडिया फर्स्ट की बात करता था, लेकिन उसी मालदीव ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और चाइना के गुणगान करने लगा मालदीव। कुछ समय पहले आपको याद होगा इमरजेंसी लगाई गई थी मालदीव में। हुआ क्या था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए और जल्द ही पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट करने के बजाय मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन ने इमरजेंसी लगा दी थी मालदीव में, और इंडिया ने इस इमरजेंसी पे भी अपने कंसर्न्स जाहिर किए थे। इमरजेंसी के दौरान वो जज जिन्होंने ये फैसला सुनाया था उनको अरेस्ट कर लिया गया, और दूसरे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे
अब्दुल गयूम, जिन्होंने रूल किया था 2008 से पहले 3 दशकों तक, यानी 30 सालों तक। इनके समेत दूसरे जो अपोजिशन के लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया मालदीव की सरकार के द्वारा। इंडिया ने इस पर भी कंसर्न्स जाहिर किए और इमरजेंसी के दौरान मालदीव की सरकार ने अपने एडवाइजर्स को भेजा ताकि दूसरे देशों को सिचुएशन के बारे में बताया जा सके, लेकिन मालदीव ने अपने एडवाइजर को नहीं भेजा था इंडिया में, तो इससे भी इंडिया नाराज हुआ। अब क्या हुआ है, अब अब्दुल गयूम जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2008 तक रूल किया और वो चीफ जस्टिस जिन्होंने आदेश दिया था कि पार्लियामेंट का सेशन कंडक्ट किया जाए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, जिनके फैसले के बाद मालदीव में इमरजेंसी लगाई गई थी, इन दोनों को 19 महीनों की सजा सुनाई गई है, 19 मंथ्स की सजा सुनाई गई है। आरोप इन पर यह था कि इन्होंने अब्दुल्ला यमीन को हटाने की कोशिश की प्रेसिडेंट पोस्ट से मालदीव में। तो इंडिया ने कहा कि ये जो ट्रायल था वो सिर्फ एक दिखावा था और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ऑटोक्रेट बन गए हैं मालदीव में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए इंडिया ने अपने कंसर्न्स जाहिर किए हैं। और इंडिया के कंसर्न्स जाहिर करने के बाद मालदीव ने भी रिटालिएट किया है, इंडिया ने मालदीव को कुछ हेलीकॉप्टर्स लीज पे दिए हुए हैं, लेकिन मालदीव ने कहा है कि 30 जून के बाद हम उन हेलीकॉप्टर्स की लीज को एक्सटेंड नहीं करेंगे और वो पर्सनल जो मेंटेनेंस कर रहे हैं इन हेलीकॉप्टर्स की, उन पर्सनल के वीजा को भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इंडिया और मालदीव के डिफेंस रिलेशंस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे जॉइंट पेट्रोलिंग की जाती है इंडियन ओशन में मालदीव और इंडिया की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, मैरीटाइम सिक्योरिटी के संदर्भ में कोऑर्डिनेट किया जाता है। यहाँ पर देखो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स के आसपास, यहाँ पर पहले जॉइंट पेट्रोलिंग की जाती थी इंडिया और मालदीव की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, लेकिन मालदीव ने अब ऐसा करने से इनकार कर दिया है। मालदीव में बहुत सारे रिसोर्ट्स, हॉस्पिटल्स और जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन उन्हें वर्क वीज़ा अब नहीं दिया जा रहा है। देखो मालदीव हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन डायस्पोरा मालदीव में रहता है, इसके अलावा मालदीव सार्क का भी मेंबर है। लेकिन देखो मालदीव के मेन कंसर्न्स ये हैं, मालदीव का ये कहना है कि अगर देखो इंडिया को जो भी शिकायत है वो डिप्लोमेटिक वे में अपनी शिकायत रजिस्टर करवाए, खुले तौर पे अपनी नाराजगी जाहिर करना इससे मालदीव की जो रेपुटेशन है वो डाउन होती है, ये गलत है। और इंडिया के मेन कंसर्न ये हैं कि मालदीव में डेमोक्रेसी को तवज्जो नहीं दी जा रही है और जो अपोजिशन लीडर्स हैं या फिर जुडिशरी हैं उनको बहुत खराब ढंग से ट्रीट किया जा रहा है। अब इस साल 23 सितंबर को मालदीव में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, इंडिया ने कंसर्न्स जाहिर किए हैं कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि देखो दो मेन अपोजिशन लीडर्स, एक अब्दुल गयूम, उनको 19 महीनों की सजा हो गई, और दूसरे मेन अपोजिशन लीडर मोहम्मद नसीर, वो तो अभी बाहर है, मालदीव में है नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था शुरुआत में उनको 15 सालों की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो इलाज करवाने के लिए गए थे यूके में, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं मालदीव में। इस वजह से जो इलेक्शंस कंडक्ट होंगे इस साल के अंत में वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट नहीं होंगे और लेजिटिमेट इलेक्शंस नहीं होंगे। आर्टिकल में लास्ट में यही बोला जाता है कि देखो इंडिया और मालदीव को अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, इंडिया के लिए मालदीव काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मालदीव के लिए तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, इसलिए रिलेशंस में जो डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास पैदा हो गया है उस डिस्ट्रस्ट को ख़त्म करने की आवश्यकता है, तभी रिलेशंस अच्छे हो सकेंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो इंडिया को एड्रेस करने होंगे अपनी तरफ से और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि मालदीव को भी एड्रेस करने होंगे जिन पर इंडिया के कंसर्न्स हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया मालदीव रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे, क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। टाइज बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव हैव टच्ड ए न्यू लो, यानी इंडिया और मालदीव के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए हैं और इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, ना इंडिया को फ़ायदा होगा और ना ही मालदीव को। इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है आपको और 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आगे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप काम करना चाहते हो ओनली आईएएस के साथ, सब्जेक्ट में जॉब लिखिएगा, मेल सेंड कीजिएगा इस ईमेल आईडी पे। अपने रिज्यूमे के साथ यूपीएससी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जरूर सेंड कीजिएगा, अभी तक आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं, ऑप्शनल क्या है, कितनी बार मेंस लिखा या फिर यूपीएससी से रिलेटेड कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन, आपकी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है, वीडियो मेकिंग में, कंटेंट डेवलपिंग में या फिर स्लाइड्स प्रिपरेशन में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल चेंजिंग नेचर ऑफ वायलेंस के बारे में है।
जीएस पेपर वन के सोसाइटी और जीएस पेपर थ्री के सिक्योरिटी से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट लिया गया है 22 और 23 मई को तमिलनाडु के टूटीकोरिन में स्टीलाइट कॉपर फैक्ट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे प्रोटेस्टर्स पर पुलिस ने गोलियां चलाई और इस फायरिंग में ऑलमोस्ट 12 लोगों की जानें चली गईं। ये प्रोटेस्ट एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट था एक बड़ी डिबेट का, इंडस्ट्री वर्सेज इन्वायरमेंट। एक तरफ स्टीलाइट कॉपर ने बहुत से लोगों को रोजगार दिया था, दूसरी तरफ स्टीलाइट कॉपर की वजह से आसपास के लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कैंसर रिलेटेड डिजीज, स्किन रिलेटेड डिजीज, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहे थे स्टीलाइट कॉपर फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों में, और इन डिजीज को नाम दिया गया था लोकल डॉक्टर्स के द्वारा स्टीलाइट डिजीज। इवन देखो इंडस्ट्री वर्सेज इन्वायरमेंट जो डिबेट है, इसके और भी काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और उन पर आरोप लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं और जो हार्मफुल केमिकल वेस्ट हैं उनको बहा दिया जाता है गंगा में, इस वजह से गंगा जो है वो बहुत ज़्यादा मैली हो गई है। गोवा में जो आयरन माइंस हैं उनके खिलाफ भी आसपास लोगों का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये तो देखो एक डिबेट है इंडस्ट्री वर्सेज इन्वायरमेंट की, जो कि प्रोटेस्ट में तब्दील हो रही है। दूसरा देखो, आपने देखा होगा दलित अपराइजिंग, दलित प्रोटेस्ट देखने को मिला, फार्मर्स के द्वारा भी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था मध्य प्रदेश के मंदसौर में, और उस प्रोटेस्ट पर भी पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई थी और 6 किसानों की डेथ हो गई थी। यंग वुमन और चिल्ड्रन के खिलाफ भी काफ़ी वायलेंस देखने को मिलता है। तो ये हमने टाइप्स डिस्कस किए किस प्रकार से आजकल जो वायलेंस का नेचर है वो चेंज हो रहा है। अब हम बात करेंगे देखो कि रिएक्शन किस प्रकार से होता है। जैसे अभी टूटीकोरिन में जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें 12 लोगों की जानें चली गई थी, आरोप लग रहा है पुलिस पे कि पुलिस की फेलियर है पूरी तरह से। एक तो देखो पूरी तरह से जो प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो नहीं किया गया था प्रोटेस्ट को कर्व करने में। दूसरी तरफ पुलिस पर यह भी आरोप लग रहा है कि जो इंटेलिजेंस थी पुलिस की वो पूरी तरह से फेल हो गई। पुलिस को पता होना चाहिए था कि कितने लोग आने वाले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और कैसे इस प्रोटेस्ट को कर्व किया जाएगा। अगर पुलिस ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई है इसका मतलब पुलिस की फेलियर है। देखो जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट वायलेंस में तब्दील हो जाता है तो उसका एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। जैसे टूटीकोरिन में प्रोटेस्ट चल रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, 100 दिन पूरे हो गए थे इस प्रोटेस्ट को, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था स्टीलाइट कॉपर फैक्ट्री के अगेंस्ट। 100वें दिन एक मार्च निकाला गया था थोथुकुडी कोलैक्रोएट की तरफ और ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। जैसे एक और एग्जाम्पल है, दिसंबर 2012 में दिल्ली गैंगरेप केस के बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और बाद में वो प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव हो गया था, उसका भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि लोगों में गुस्सा तो पहले ही था महिलाओं के खिलाफ जो रेप के केसेस सामने आ रहे थे, लगातार जो वायलेंस हो रहा था महिलाओं के अगेंस्ट, लोगों में एक बहुत बड़ा गुस्सा था। और जो दिल्ली रेप गैंग रेप केस हुआ दिसंबर 2012 में, उसने एक ट्रिगरिंग पॉइंट का काम किया और इस वजह से अनसिंक्रोनाइज्ड इरप्शन हुआ उस गुस्से का जो लोगों के अंदर पनप रहा था महिलाओं के खिलाफ हो रहे के वायलेंस की वजह से। अब देखो इस प्रकार के केसेस जो हुए हैं अब टूटीकोरिन में या फिर कहीं और, अगर उनको सिर्फ हम इस दिशा में मेजर करेंगे, इस दिशा में हम रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोताही बरती या फिर पुलिस ने बहुत ज़्यादा इंटेंस फोर्स का यूज़ किया, तो हम असल में तह तक नहीं जा सकेंगे। हमें हमारी सोच का दायरा जो है उसे इंक्रीज करना होगा। जब भी इस प्रकार का इंसिडेंस होता है 2 या 3 डायमेंशंस में जांच इंक्वायरी सोचती है, क्या इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ था, क्या पुलिस ने प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया था, क्या पुलिस ने ज्यादती बरती यानी बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फोर्स का इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 ही डायमेंशंस में कोई भी कमेटी जाती है, लेकिन हमें और ज़्यादा डायमेंशंस कवर करनी होगी कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि पुलिस प्रोटेस्ट को कर्व करने में नाकाम हो जाती है, और क्या करना चाहिए पुलिस को जिससे इस प्रकार की घटनाएं फ्यूचर में ना हो। तो आगे यहाँ पर राइटर के द्वारा बताया जाता है किस प्रकार से वायलेंस का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। राइटर कहते हैं कि देखो आजकल क्या होता है, जहाँ पर भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट होता है तो मिलिटेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो उस प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की सोचते हैं ताकि इंडिया में इंस्टेबिलिटी आए, कैओस क्रिएट हो। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि प्रोटेस्ट स्टार्ट तो जेन्युइन एलिमेंट्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन बाद में वो जो प्रोटेस्ट है वो मिलिटेंट एलिमेंट्स के हाथ में आ जाता है। तो यहां पर पुलिस को अच्छे से काम करना होगा, देखना होगा, इंटेलिजेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। और देखो आजकल के जो प्रोटेस्ट हैं वो लीडरलेस होते हैं। लीडरलेस होने के नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है, देखो बातचीत किससे करें, कोई लीडर नहीं है जब
इतने बड़े प्रोटेस्ट का, तो बातचीत किससे करें? अगर प्रोटेस्ट बढ़ता है तो यही जो लीडरलेस प्रोटेस्टर्स हैं वो वायलेंस पे उतारू हो जाते हैं, और फायदा ये होता है कि लीडरलेस जो प्रोटेस्ट है वो ज्यादा समय तक नहीं चलता। और आजकल देखो लोगों का जो विश्वास है गवर्नमेंट से और इवन ट्रिब्यूनल से उठ सा गया है, उनको लगता है ये पूरा सिस्टम मैनिपुलेटेड है, बिक गई है गवर्नमेंट। और इवन कई बार जुडिशरी से भी कॉन्ट्रारी जजमेंट्स देखने को मिलती हैं, हाई कोर्ट कुछ कहती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला पलट दिया जाता है, तो जो ये अविश्वास है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं वो, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि पूरे प्रोटेस्ट को अपने कब्जे में ले लेते हैं, यानी शुरू में इशू कुछ और होता है लेकिन बाद में प्रोटेस्टर्स के द्वारा कुछ और डिमांड्स की जाती हैं, क्योंकि जो बाहरी एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं प्रोटेस्ट में और वो प्रोटेस्ट का फायदा उठाते हुए अपने अपने इश्यूज को आगे करने लगते हैं। शुरू में जब भी कोई प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है वो पीसफुल होता है, उस समय पुलिस को लगता है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन देखते ही देखते आजकल के जो प्रोटेस्ट हैं वो एक प्रकार से फॉर्म ले लेते हैं एलीट वर्सेज अंडर क्लास, यानी वो लोग जिनको उस स्पेसिफिक इशू से कुछ लेना देना नहीं होता वो भी सिस्टम के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है। और आजकल तो देखो डिजिटल वेव है, कैसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स की सहायता से या फिर एप्लीकेशंस की सहायता से विद इन सेकेंड्स में इश्यूज को शेयर किया जाता है। अगर लोग एक दूसरे को जानते नहीं लेकिन उनके जो कंसर्न्स हैं सिमिलर हैं वो एक जगह पे एकजुट हो जाते हैं, और फेक न्यूज़ ने तो इशू को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया है। जो रूमर्स हैं यानी अफवाहें हैं और फेक न्यूज हैं वो प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। पुलिस को इन सब बातों पे ध्यान देना जरूरी है, तभी पुलिस फ्यूचर में इस प्रकार के इंसिडेंसेस को होने से रोक सकती है। अगर पुलिस सोचती है कि जहां भी प्रोटेस्ट हो वहां पर सेक्शन 144 लगा के यानी 144 धारा लगा के या फिर बैरिकेड्स खड़े करके प्रोटेस्ट को कर्व किया जा सकता है, तो ये बहुत बड़ी गलती है पुलिस की, तभी इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते हैं। आजकल देखो फ्लैश मॉब इकट्ठा होती है, जैसे मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से एकदम से बहुत सारा क्राउड आ गया उसी जगह पे, स्ट्रीट पावर जिसे कहते हैं। पुलिस को एनालाइज करने की आवश्यकता है स्ट्रीट पावर को किस प्रकार से कर्व किया जा सकता है, क्योंकि देखो मान लीजिए एक जगह पे 100 लोग खड़े हैं और पुलिस को लगता है कि हम 100 लोग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ घटना में उबाल आता है तो एकदम से फ्लैश मॉब आती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया वेबसाइट्स की सहायता से इशू को शेयर किया जाता है, बहुत सारे लोग एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं उसी जगह पे, लेकिन फिर जो इशू है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए पुलिस को इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का जो स्ट्रक्चर है उसे रिवैम्प करना होगा। ये कहना कि इंटेलिजेंस कम थी ज्यादा थी, देखो ये मैटर नहीं करता, आपका जो तरीका है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, आपका जो दायरा है वही कम है, उस दायरे के अंदर आप इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा इनएडुकेट है। तो इन सभी डायमेंशंस पे पुलिस को फोकस करना होगा, क्योंकि वायलेंस का जो नेचर है वो आज के समय में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में है, जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पिछले कुछ समय में हमारे देश में मोटर व्हीकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, 1981 में 5.4 मिलियन व्हीकल्स थे, मोटर व्हीकल्स थे हमारे देश में, लेकिन 2015 तक हमारे देश में मोटर व्हीकल्स की संख्या हो गई है 210 मिलियन। तो सोच के देखिए पिछले 25 सालों में संख्या जो है मोटर व्हीकल्स की कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके देखो बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि इन मोटर व्हीकल्स की वजह से एयर पोल्यूशन काफ़ी होता है और कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सिटीज में। इन मोटर व्हीकल्स के द्वारा इतना ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है, इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी प्रभावित होती है और लोगों की वेलबींग पे भी इम्पैक्ट होता है, और हमारी सिटीज़ की जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो भी प्रभावित होती है इन मोटर व्हीकल्स की वजह से। क्वेश्चन ये उठता है कैसे हमारी सिटीज से कंजेशन को ख़त्म किया जाए। देखो सरकार ने क्या किया, सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे फोकस किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स को इस्तेमाल करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लेस स्पेस कंज्यूम करता है, लेस फ्यूल को कंज्यूम करता है और कम पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो। इसीलिए इंडिया में आपने देखा होगा अब बहुत सारी सिटीज़ में मेट्रो आ चुकी है और कई सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर मेट्रो आने वाली हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, जयपुर, लखनऊ। लेकिन यहां पर आप एक बात पे फोकस कीजिएगा, इन सब प्रयासों के बावजूद जो कंजेशन है हमारी सिटी से वो कम नहीं हो रहा है। हालांकि विभिन्न सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है,
लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट व्हीकल्स का यूज छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके क्या रीजंस हैं? रीजंस मेनली दो हैं। पहला रीजन है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। देखो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आप मेट्रो ले लीजिए, मेट्रो किसी भी सिटी के कोने कोने तक नहीं जाती है, इसलिए लोगों को लगता है अपना व्हीकल लेके जाएंगे तो ज़्यादा सुविधा रहेगी, बिल्कुल हम अपने घर तक पहुंच सकेंगे और जहां भी जाना है, ऑफिस में जाना है, अपने व्हीकल्स की सहायता तक बिल्कुल डायरेक्टली ऑफिस तक पहुंच सकेंगे। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करते, बिल्कुल आपको जहां जाना है वहां पर नहीं पहुंचाते। और एक शिकायत ये रहती है प्राइवेट व्हीकल ओनर्स की कि ओवर क्राउडेड होती हैं बसेस या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सीट नहीं मिलती, सीट के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी होती है, इसीलिए अपने व्हीकल्स में सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है। मेनली ये दो रीजंस हैं। अगर देखो सरकार इन दो इश्यूज़ पे फोकस करें तो शायद लोगों को कन्विंस किया जाए कि वो अपने व्हीकल्स के यूज़ को छोड़ दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सहारा लें यात्रा करने के लिए। आखिरकार देखो, कौन जो क्राउडेड स्ट्रीट्स में अपने प्राइवेट व्हीकल्स को लेकर यात्रा करना चाहता है, और इवन पार्किंग की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए अगर सरकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे और अच्छे से सीट मिले सभी लोगों को, यानी सुविधा मिले, तो प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ छोड़ देंगे लोग। लेकिन इस सिचुएशन में सरकार तो एक्ट नहीं कर रही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने मार्केट को ठीक से पढ़ लिया है। ये कंपनीज जैसे उबर, ओला, इन्होंने कस्टमर्स के कंसर्न्स को देखते हुए काफ़ी सारे नए प्रोविजंस दिए हैं अपनी एप्लीकेशंस में, जैसे शेयर्ड कैब या फिर शेयर्ड मोबिलिटी। ये जो प्रोविजंस हैं इन एप्लीकेशंस में, वो जनता को बहुत ज़्यादा रास आ रहे हैं और जनता इन प्रोविजंस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि ये प्रोविजंस डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं और कन्वीनियंस भी है, यानी सुविधा भी है। यहाँ पर कुछ और बेनिफिट्स दिए हुए हैं उबर और ओला एप्लीकेशंस के, जैसे आप वैरायटी ऑफ व्हीकल्स में से चूज कर सकते हो किस व्हीकल्स की सहायता से आप अपनी जो जर्नी है वो तय करना चाहते हो। इसके अलावा ऐप बेस्ड मिनी बसेस, इनको रेगुलेटर्स ने अलाउ नहीं किया है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ऐप बेस्ड मिनी बसेस, उबर और ओला कंपनीज ऐप बेस्ड मिनी बसेस भी चलाना चाहती थी, लेकिन हमारे देश के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि ये ऐप बेस्ड मिनी बसेस हैं ना तो देखो स्टेज कैरिजेज में आती हैं और ना ही कॉन्ट्रैक्ट कैरिजेज में आती हैं। स्टेज कैरिजेज कौन सी होती हैं? अगर देखो कोई बस एक निश्चित रूट पर चलती है, मान लीजिए ए से बी एक निश्चित टाइम पर चलती है, तो ये तो होगा स्टेज कैरिजेज। और कॉन्ट्रैक्ट कैरिजेज क्या होगा? अगर सर्विस प्रोवाइडर का किसी इंडिविजुअल के साथ या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है सर्विस प्रोवाइडर को, पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो ये आता है कॉन्ट्रैक्ट कैरिजेज में। लेकिन देखो ऐप बेस्ड मिनी बसेज जो होंगी वो तो अपने रूट को चेंज भी तो करेंगी ना। अगर ए से बी के बीच जाते वक्त उनको कोई कस्टमर मिल गया, थोड़ा और आगे उनको जाना पड़ा है, वो तो जाएंगी, तो उनका कोई एक निश्चित रूट नहीं है। इस वजह से रेगुलेटर्स ने अलाउ नहीं किया है ऐप बेस्ड मिनी बसेस को। तो राइटर के द्वारा यही कहा जाता है कि अगर देखो ऐप बेस्ड मिनी बसेस को अलाउ किया जाता है तो और भी ज़्यादा डीकंजेशन होगा सिटीज से। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि सरकार की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनको यूज़ नहीं करेगा अगर ये ऐप बेस्ड मिनी बसेस चली तो आप एक काम कर सकते हो, आप फ्लोर प्राइस रख सकते हो जो कि थोड़ा ज़्यादा होगा सरकार की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से। अगर सरकार की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का किसी एक रूट के लिए ए से बी के लिए मान लीजिए ₹5 रेट है, तो ऐप बेस्ड मिनी बसेस अपना जो रेट है वो उसी रूट के लिए ₹10 रख सकती हैं, समझ गए? तो इस प्रकार का प्रोविजन किया जा सकता है रेगुलेटर्स के द्वारा और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि देखो बहुत से लोग अब ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन इन उबर और ओला जो एप्लीकेशंस हैं इनको तवज्जो दे रहे हैं। अगर यही एप्लीकेशंस डीकंजेशन कर सकती हैं सिटी से, क्यों ना जो रेगुलेटर्स हैं वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को हटा लें और ज़्यादा तवज्जो दी जाए इन उबर और ओला एप्लीकेशंस को। देखो मॉडर्नाइजेशन की वजह से कंजेशन आया है सिटीज़ में और यही मॉडर्नाइजेशन यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ही कंजेशन को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था सिटीज़ में कंजेशन के बारे में और अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल के बारे में है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2016 में अमेंडमेंट्स के लिए अप्रूवल दे दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी और उन्हीं रिकमेंडेशंस के आधार पर मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2016 में अमेंडमेंट्स को अप्रूवल दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। इस बिल में अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड में लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या को इंक्रीज किया जाएगा।
देखो कोई भी पोर्ट हो, मान लीजिए जेएनपीटी है, जेएनपीटी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज में से किसी को भी पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड में लेबर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। पहले सिर्फ एक लेबर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता था इस बोर्ड में, पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड में, अब दो लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया जाएगा इस बोर्ड में, जो कि एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। कार्यकाल होगा 3 साल का, यानी जो भी लेबर रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका कार्यकाल 3 साल का होगा और 2 टर्म्स से ज़्यादा नहीं मिलेगी उस लेबर रिप्रेजेंटेटिव को। इसके अलावा बोर्ड में जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनकी संख्या को भी इंक्रीज कर दिया गया है। अमेंडमेंट से पहले पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड में इंडिपेंडेंट मेंबर्स की संख्या थी 2 और अब अमेंडमेंट के बाद मेंबर्स की संख्या होगी 4। और देखो किसी भी पर्सन को अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे थे पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से, तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स उस पर्सन को आगे भी मिलने जारी रहेंगे, ऐसा भी प्रोविजन किया गया है अमेंडमेंट्स में। और अगर देखो कोई बोर्ड स्पेसिफिक पोर्ट के लिए, मान लीजिए जेएनपीटी पोर्ट का बोर्ड है जो कि एक स्पेसिफिक मास्टर प्लान लेके आया है पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए, उस मास्टर प्लान पे लोकल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का रेगुलेशन नहीं होगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट उस मास्टर प्लान को रेगुलेट नहीं कर सकेंगी। नेक्स्ट प्रोविजन है पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड के द्वारा या फिर पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड के बिहाफ से जो भी अमाउंट रिसीव किया जाएगा उसे क्रेडिट किया जाएगा बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट कोई भी हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी नेशनलाइज्ड या फिर शेड्यूल्ड बैंक हो सकता है, उनमें अकाउंट ओपन किया जाएगा और वहां पे पैसे को जमा किया जाएगा जो कि रिसीव किया जाएगा पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड के द्वारा या फिर पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड के बिहाफ से। बाद में लिखा गया है अमेंडमेंट के अनुसार प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो एडजुडिकेटरी बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद। उन्हें रिमूव भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके। तो ये पूरा आर्टिकल था मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज मेनली हमने 4 आर्टिकल्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने जाना इंडिया मालदीव रिलेशंस के बारे में, उसके बाद हमने वायलेंस का जो नेचर चेंज हो रहा है उसके बारे में डिस्कस किया, तीसरे नंबर पे अर्बन ट्रांसपोर्ट और सिटीज़ के डीकंजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, और चौथे नंबर पे हमने बात की मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल के बारे में। कैबिनेट ने इस बिल के अमेंडमेंट्स के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।